हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर टेक एडवाइज़र। और आज हमारे पास में है मोटो सी प्लस, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसे यूज़ करते हुए मुझे एक दिन हो गया है और मैंने सोचा इसका रिव्यू बना दूं और आपको दे दूं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करनी होगी इस फ़ोन की बैटरी लाइफ की। बैटरी लाइफ इस फ़ोन की काफ़ी बढ़िया है, लगभग लगभग आपको 2 दिन की बैटरी लाइफ अभी ये दे देता है। हैवी यूजेस मैंने नहीं किए हैं क्योंकि हैवी यूजेस करने लायक है भी नहीं। ये फ़ोन सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जो मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह और कॉलिंग वगैरह के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी और बहुत ही ज़्यादा इसमें आप बड़े बड़े हैवी गेम्स खेल पाएंगे। टेम्पल रन वगैरह हल्के फुल्के गेम इसमें चल जाते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप के लिए, ट्विटर के लिए बहुत ही अच्छा फ़ोन है। बैटरी बैकअप कमाल की है, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। बैटरी बैकअप के साथ में 4000 mAh की बैटरी है और जो सप्लाइड चार्जर आता है उसके साथ चार्ज करने पर लगभग लगभग 2.5 घंटे आपको लग जाते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे नोटिस करना होगा आपको अगर आप ये फ़ोन लेने की सोच रहे हैं तो। और बात करें अगर कैमरा की, तो यहाँ पे रियर कैमरा तो कुछ ठीक ठाक सा है, एवरेज है। लेकिन फ्रंट कैमरा जो है, जो कि 2 मेगापिक्सल का दिया गया है, वो उतना कुछ खास नहीं है। अगर आप लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करें यहाँ पे, तो लो लाइट तो बिल्कुल भी यहाँ पे अच्छी नहीं है। मैंने यहाँ पे डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू भी इसका बनाया हुआ है, यहाँ आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप इसे देख सकते हैं जा करके। तो ये हो गया कैमरा रिव्यू की बात। अब बात करते हैं यहाँ पे स्क्रीन ब्राइटनेस की। तो स्क्रीन ब्राइटनेस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ब्राइट तो काफ़ी है, लेकिन डे लाइट में जब जाते हैं हम, तो इसका जो है ब्राइटनेस वो काफ़ी हमें कम लगने लगता है। तो यानी डे लाइट में जब आपके डायरेक्ट धूप आ रही होगी इस स्क्रीन पे, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है कुछ देखने में। और भी अगर बात करें तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी ठीक है इसकी। मतलब 6,500-6,000 रुपये में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। प्लास्टिक बिल्ड आपको दी गई है, मेटल रिम आपको दिया जाता है, सामने आपको पता नहीं कौन सा ग्लास है ये, लेकिन जो भी है ठीक है। लेकिन एक शिकायत यहाँ पे है कि यहाँ पे अगर आप बैक ओपनेबल है, बैटरी सिम वगैरह लगाने के लिए आपको बैक खोलना पड़ता है, लेकिन अगर आप बैक खोलने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी टाइट ये दिया गया है, बहुत आसानी से नहीं खुलता है। तो ये भी चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली एक चीज़ है। तो और भी अगर बातें करें तो यहाँ पे बाकी सब कुछ तो ओवरऑल मुझे ठीक ही लगा है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं लैग इसमें देखने को मिलता है। तो अगेन मैं अपना ओपिनियन आपके साथ ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक हैवी यूज़र हैं तो बिल्कुल भी इस फ़ोन को मत खरीदिए। और अगर आप नया नया पहली बार एंड्रॉयड स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं और स्टॉक एंड्रॉयड, यानी कि मतलब ज़्यादा कुछ आप कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है और आप ये फ़ोन बिल्कुल ले सकते हैं। बैटरी बैकअप ठीक है, ठीक ही ठाक है, और कैमरा वगैरह भी सब कुछ एवरेज है, प्राइस के हिसाब से बढ़िया है। तो उम्मीद करता हूँ गाइज कि हमारे द्वारा दिया गया ये मोटो सी प्लस का रिव्यू क्या मतलब समझ लीजिए कि मैं ओपिनियंस दे रहा हूँ बस एक दिन यूज़ करके फ़ोन को, एक दिन में रिव्यू नहीं बनता है। तो बस अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ और भी बहुत सारी चीज़ें देखते रहने के लिए। बाय गाइज, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।